तो दोस्तों हमारे पास है वीवो का Y200 5G मोबाइल फोन। इसमें दोस्तों नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि दोस्तों आपके यहाँ पर जो नेटवर्क है वो सिम में नहीं आ पा रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से दोस्तों आपके यहाँ पर जो है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो वीवो के Y200 मोबाइल फोन में, चलिए दोस्तों आपको जो है कि सिंपल प्रोसेस मिलने वाला है। वहीं दोस्तों आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो है कि सबसे पहले जो अपनी सेटिंग है उसको ओपन कर लेना। सेटिंग को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको चलना है जो नेटवर्क यहाँ पर है, नेटवर्क एंड इंटरनेट पर। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे आप जाओगे तो यहाँ आपकी जिस सिम में यानी कि नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो आपको सिंपली उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ दोस्तों मेरी ये सिम है, इसमें नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे थोड़ा आपको नीचे की ओर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ है आपके जो नेटवर्क हैं वो आपको सबसे पहले प्रीफर्ड देख लेना है कि आपका जो है कि कौन सा नेटवर्क पर सिलेक्ट है। यदि दोस्तों आपका 5G है तो 5G पर कर सकते हो, एंड यदि आपका कोई सा भी नेटवर्क है जो आपको प्रीफर कर रहा है तो आपको उसको यहाँ पर सबसे पहले डाल लेना है। तो यदि दोस्तों आपका जो है कि यहाँ पर रोमिंग में है तो आपको इसको इनेबल कर देना है। एंड उसके बाद है दोस्तों एसएस पॉइंट, तो एसएस पॉइंट नेम पर एक बार आपको इसको जो है कि यहाँ से रिस्टार्ट कर लेना है, रीसेट डिफ़ॉल्ट कर लेना है। एंड यहाँ से आप चाहो तो दोस्तों इसको यहाँ से सबसे पहले आप इसको रिमूव कर सकते हो डिलीट APN पर। एंड डिलीट APN पर करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर इसको ऐड कर देना है। एंड यहाँ से दोस्तों आपको रीस्टार्ट पर क्लिक करने के बाद एंड आपको सिंपली डिफ़ॉल्ट पर कर देना है एंड आपके नेटवर्क यहाँ पर आ जाएंगे। तो यदि दोस्तों आपके मेरा नेटवर्क दोस्तों ऑलरेडी आया हुआ है, कुछ भाई के में जो जिसके में प्रॉब्लम आ रही है उसी को दोस्तों ये प्रॉब्लम यानी कि ये करना है। फिर से दोस्तों यहाँ है ऑटोमेटिक नेटवर्क, ऑटोमेटिक सिलेक्ट नेटवर्क, तो आपको इसको एक बार दोस्तों इसको ऑफ़ कर देना है जो आपका ऑटोमेटिक है उसको। तो आपको ऑटोमेटिक पर ऑफ़ करने के बाद दोस्तों आपको फिर से आपको दोस्तों यहाँ पर जो है कि इसको यानी कि मैनुअल यहाँ आपका ऑटोमेटिक से ऑटोमेटिक हटा देना है आपको, एंड आपको इसको मैनुअल पर कर देना है क्लिक। एंड दोस्तों यहाँ पर मैनुअल पर क्लिक करने के बाद आपका जो है कि यहाँ से इंटरनेट है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, एंड जिस पर आप दोस्तों इसको जोड़ना चाहते हो उस पर आपको सिंपली उसको कर देना है। एंड दोस्तों यदि इससे भी आपका जो है कि नेटवर्क में प्रॉब्लम यानी कि आपकी समाप्त नहीं हो रही है तो यहाँ से दोस्तों यदि आपका ऑफ है तो आप इसको ऑन कर सकते हो। तो ये कुछ इसमें दोस्तों ये इसकी यानी कि वो सेटिंग थी। यदि दोस्तों इनसे भी आपकी जो है कि जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो सही नहीं हो पा रही है तो आपको सिंपली थोड़ा बैक आ जाना है। एंड बैक आने के बाद दोस्तों आपको चलना है यहाँ सिस्टम पर। सिस्टम पर जैसे आप जाओगे तो दोस्तों यहाँ एक ऑप्शन मिला है रीसेट ऑप्शन, तो सिंपली आपको जो है कि रीसेट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर अपना जो नेटवर्क है या फिर ब्लूटूथ है फ़ोन है इसको दोस्तों यहाँ से आपको सबसे पहले इसको यानी कि रीसेट कर लेना है। यदि दोस्तों इससे आपकी जो है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो दोस्तों आपको इरेज ऑल डाटा यानी कि फैक्ट्री रीसेट कर देना है। इससे दोस्तों आपकी जो नेटवर्क की कोई भी प्रॉब्लम है वो दोस्तों सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इससे दोस्तों आपका जो नेट डाटा है यानी कि आपका जो कोई भी फाइल है, आपका फ़ोटोज़ हैं, वो दोस्तों सभी क्लियर हो जाएंगे, सभी कट जाएंगे। तो इस चीज़ का दोस्तों आपको इसमें ध्यान रखना है। एंड आपकी जो नेटवर्क प्रॉब्लम है वो भी दोस्तों यहाँ से 100% सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी।